सेकेंड कैंडल वाला जो था सबने प्रॉपरली मेरे ख्याल से सुन लिया होगा। अभी हम तीन कैंडल के हिसाब से कौन से पैटर्न्स रहते हैं वो देखेंगे। मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है अगर तीन कैंडल इस तरीके से रहती हैं, यानी कि पहली हमारी ब्लैक कैंडल है यानी कि सेलर्स ज्यादा हैं, यहाँ पे आकर के एक तरीके से हैमर बना है, छोटी बॉडी बनी है, या फिर इम्पोर्टेंट नहीं है कि हैमर ही हो, यहाँ पे डोजी भी बन सकता है, ड्रैगन फ्लाई भी बन सकता है। उसके बाद वाली जो कैंडल है वो अगर मेरी बुलिश कैंडल बनी है, और इसमें अगेन हमको ये चीज ध्यान देनी है, इसका जो क्लोजिंग है मेरी ब्लैक वाली क्लोजिंग के 50% के ऊपर अगर हुआ तो ही मैं इसको मॉर्निंग स्टार कैंडल बोल पाऊंगा। इसी तरीके का चार्ट में कल से मैंने निफ्टी का एक शेयर किया था जिसमें मेरे को उम्मीद थी कि मॉर्निंग स्टार बनेगा कल के दिन में, लेकिन मेरी जो क्लोजिंग थी वो 50% के ऊपर नहीं हो पाई थी, इसलिए उसके बाद आपने देखा होगा कि कल निफ्टी का जो प्राइस है या निफ्टी की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 100 से 150 पॉइंट बाद में और ज्यादा गिर गई थी। सिग्निफिकेंस यही है, अगर ये बॉटम में कहीं पे भी नजर आता है किसी भी डाउन ट्रेंड के तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। इम्पॉर्टेंट आप ध्यान दीजिएगा कि जो कैंडल यहाँ पे छोटी वाली बनी है उसका कलर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। सिमिलरली इवनिंग स्टार होता है, जैसे हमने पहले देखा कि एक ब्लैक कैंडल होती है, फिर कोई भी कैंडल बने छोटी बॉडी की, उसके बाद व्हाइट कैंडल होती है, यहाँ पे उसका पूरा उल्टा होता है। पहले एक बड़ी व्हाइट बॉडी की कैंडल बनी होगी, छोटी कैंडल बनी होगी, और उसके बाद एक तीसरी कैंडल बनी होगी ब्लैक बॉडी की, जो कि अगेन 50% से ज्यादा कवर कर लेना चाहिए जो भी यहाँ पे बायर्स थे उसकी प्राइस, जो भी एक्शन हुआ था उसको, तभी हम इसको इवनिंग स्टार कैंडल बोल पाएंगे। सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो सिग्निफिकेंस इसका यही रहता है कि अगर टॉप में हमको इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अगला पैटर्न है हमारा मॉर्निंग डोजी स्टार। जैसा मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मॉर्निंग स्टार जो था उसमें हमारी छोटी बॉडी बन रही थी, इसमें बॉडी की जगह सिर्फ डोजी बनती है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है, सिर्फ बॉडी की जगह डोजी बनती है, इसलिए इसका नाम जो है डोजी स्टार दे दिया गया है। सिग्निफिकेंस वैसा ही है, अगर किसी भी बॉटम ट्रेंड के या डाउन ट्रेंड के बॉटम में ये चीज बन रही है तो यहाँ से हमारा ट्रेंड रिवर्स होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। अगेन इवनिंग डोजी स्टार जो हमारा इवनिंग स्टार का पैटर्न था, जिसमें एक अप ट्रेंड आया हुआ था, डोजी बनी थी, डोजी के बाद फिर एक ब्लैक बॉडी बनी थी, और ये जो ब्लैक बॉडी है ये हमारे 50% के नीचे क्लोज होनी चाहिए, ये चीज भी हमको ध्यान देनी चाहिए। तो एक तरीके से इवनिंग स्टार और इवनिंग डोजी स्टार दोनों ही सेम है, डिफरेंस सिर्फ इस कैंडल का आ जाता है। अगर डोजी बन गई तो हम इसको नाम दे देंगे डोजी स्टार, अगर हल्की सी छोटी सी बॉडी आ जाती है तो हम इसको सिंपल इवनिंग स्टार के नाम से बुलाते हैं। सिग्निफिकेंस वही है कि अगर किसी भी अप ट्रेंड के टॉप में ये चीज बनती है तो यहाँ से हम ट्रेंड जो है उसको रिवर्स करने के बारे में या रिवर्सल के बारे में सोच सकते हैं। अगला पैटर्न है, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि बुलिश और मॉर्निंग डोजी स्टार जो था उसी तरीके से बुलिश अबेंडेंट बेबी, इसको बुलिश अबेंडेंट बेबी का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो नीचे हमारा डोजी बना है या नीचे जो भी हमारी कैंडल बनी होगी उसके बहुत ही ज्यादा गैप अप होकर के हमारी थर्ड कैंडल बनी है। इस तरीके के पैटर्न में आपको कुछ चीजें जो है वो ध्यान रखनी है। ब्लैक कैंडल जो मेरी पहली है वहां से गैप डाउन ओपन होना चाहिए, डोजी बनना चाहिए, और जो इम्पोर्टेंट चीज देखनी चाहिए, इस कैंडल का मेरा लो है और इस कैंडल का जो मेरा टॉप है या हाई है ये मैच नहीं होना चाहिए, इसके बीच में भी गैप होना चाहिए। सिमिलरली जो मेरी तीसरी कैंडल बनेगी वो गैप अप होनी चाहिए, अगेन इसका जो लो है और इसका जो हाई है वो मैच नहीं होना चाहिए। तो जब कभी इस तरीके का सिनेरियो आपके सामने आएगा तो आप उसको बोल सकते हैं बुलिश अबेंडेंट बेबी पैटर्न। ये बहुत रेयर हमको देखने को मिलता है लेकिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है हमको कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। इस तरीके का पैटर्न आपको मार्केट में बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा। इसी के विपरीत बियरिश अबेंडेंट बेबी, जैसा हमने देखा कि यहाँ प्रीवियस केस में सेकेंड कैंडल जो थी वो गैप डाउन के साथ हुई ओपन हुई थी, यहाँ पे उसका उल्टा है, यहाँ पे गैप अप के साथ ओपन हुई है, अगेन हमको देखना है इस कैंडल का जो लो है
और इन दोनों कैंडल का जो हाई है वो उसके अंदर भी काफी हद तक गैप नजर आ रहा है, और तीसरी कैंडल जो है हमारी वो फिर से काफी ज्यादा लो के साथ क्लोज हुई है। सिग्निफिकेंस अगेन इसका सेम बनता है कि अगर इस तरीके का पैटर्न, ये इस तरीके की तीन कैंडल हमको किसी भी अप ट्रेंड में नजर आती हैं, तो वहां से हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है। अगेन ये भी बहुत ही ज्यादा रेयर केस में आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस तरीके का पैटर्न आपको कहीं पे भी नजर आने वाला है। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा थ्री व्हाइट शोल्डर। इमेज देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कंसिस्टेंटली तीन व्हाइट कैंडल्स हमारे सामने आई हैं। इसका क्लियर मतलब निकल जाता है कि हमारे जो बायर्स हैं वो एक्टिव हैं, और तीनों का जो क्लोजिंग है वो अपने हाई के आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी जो क्लोजिंग हो रही है या फिर जो मेरी शेडो है वो ज्यादा लंबी हो रही है। ज्यादा लंबी से मैं कहना चाहूंगा इसमें कम से कम 10% और 15% की ही शेडो होनी चाहिए। उससे ज्यादा लंबी अगर शेडो किसी भी एक कैंडल में बन जाती है इन तीनों में से, तो हम इसको थ्री व्हाइट शोल्डर पैटर्न नहीं बोलेंगे। यहाँ पे 15% से ज्यादा किसी भी कैंडल की शेडो नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा होगी तो इस तरीके का फॉर्मेशन हम नहीं बोल पाएंगे। इसका सिग्निफिकेंस है अगर ये किसी भी पैटर्न के बॉटम में हमको नजर आता है डाउन ट्रेंड में, तो ये इंडिकेट करता है कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, या फिर कभी भी हमारा अप ट्रेंड चल रहा है, कुछ दिन के लिए कंसोलिडेशन हुआ है, और कंसोलिडेशन होने के बाद फिर से अगर हमको इस तरीके की कैंडल नजर आती है तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये हमको ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूएशन की सिग्नल देती है। दो सिग्नल हमको इस तरीके की कैंडल से मिलता है। सिमिलरली थ्री ब्लैक सोल्जर, ये पैटर्न हो जाएगा अगर हमारी कंटिन्यू तीन ब्लैक कैंडल बनेगी, या फिर तीन रेड, या फिर तीन डाउन साइड की कैंडल बनेगी जिनकी क्लोजिंग अपने लो के आसपास होनी चाहिए। यानी कि इस कैंडल का जो लो है उसी के आसपास क्लोज होना चाहिए, तो ही हम इस तरीके के पैटर्न का नाम या इस तरीके का पैटर्न बोल सकते हैं। ये किसी भी टॉप ट्रेंड में अगर हमको मिल जाता है या अप ट्रेंड में मिलता है उसके ऊपर, तो वहां से बियर्स जो हैं वो ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं, या फिर किसी डाउन ट्रेंड में कुछ दिन कंसोलिडेशन होने के बाद हमको इस तरीके की कैंडल मिलती है तो हम बोल सकते हैं जो हमारा डाउन ट्रेंड था वो अभी कंटिन्यू रहेगा, जो बीच में कंसोलिडेशन आया था वो मात्र कुछ समय के लिए था, वहां से ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा और ये कंटिन्यू करेगा। तो इस तरीके की कैंडल आप देख सकते हैं अगर किसी भी उसमें नजर आती है। अब एक आ जाती है बुलिश थ्री कैंडल। पैटर्न में हम जनरली एक दो या तीन कैंडल को नहीं, हम पांच कैंडल के ऊपर ध्यान देते हैं। अभी मैंने जैसे पहले आपको बताया कि थ्री ब्लैक सोल्जर कैप या ब्लैक सोल्जर पैटर्न था या व्हाइट सोल्जर पैटर्न था, आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आप इन तीनों का नाम दे सकते हैं कि यार यहाँ पे ब्लैक बना था, यानी कि डाउन ट्रेंड हो सकता है। सिमिलरली अगर ऐसा कुछ व्हाइट होगा जो हम आगे देखेंगे, तो बुलिश थ्री कैंडल हम तब बोलते हैं जब हमारी पहली कैंडल, एक चीज ध्यान दीजिए इसमें पांच कैंडल को कंसीडर कर रहे हैं, हम सिर्फ तीन कैंडल को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। और इसको डिफरेंशिएट, जैसा मैं पहले बोल रहा था कि अगर किसी टॉप ट्रेंड में हमको ये तीन ब्लैक मिलती हैं तो हम इसको ब्लैक सोल्जर बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने वाली बात ये, हम इसको ब्लैक सोल्जर, फॉर एग्जाम्पल मेरी फिफ्थ कैंडल नहीं बनी है, अप ट्रेंड चल रहा है, एक अच्छी सी मेरी व्हाइट कैंडल बनी है, उसके बाद तीन ब्लैक कैंडल बन गई, तो क्या मैं इसको ब्लैक सोल्जर पैटर्न बोलूंगा? क्योंकि अभी तक मेरी पांचवी कैंडल नहीं बनी तो मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको अभी भी ब्लैक सोल्जर पैटर्न या कैंडल्स नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो ये तीन कैंडल हैं, ये तीनों ही कैंडल मेरी पहली जो व्हाइट कैंडल थी उसके अंदर ही बनी है। Until unless मेरी तीनों ही कैंडल अपनी प्रीवियस एक या दो कैंडल के नीचे जाकर के क्लोजिंग नहीं देती, तब तक मैं इसको ब्लैक सोल्जर पैटर्न नहीं बोलूंगा। अब बुलिश थ्री क्यों आ रहा है? क्योंकि पहली मेरी व्हाइट कैंडल थी, तीन ब्लैक कैंडल बनी, और जो मेरी उसके बाद चौथी या मैं बोलूँ पांचवी कैंडल बनी है, उसने तीनों ही ब्लैक कैंडल में जो भी सेलर्स थे या जो भी प्राइस मेरा डाउन हुआ था वो सब रिकवर करके उसके ऊपर की क्लोजिंग दी। यानी कि
मेरी जो पांचवी कैंडल है उसका क्लोजिंग मेरी जो पहली कैंडल का हाई था उसके भी ऊपर हुआ है। तो जब कभी आपको इस तरीके का पैटर्न दिखेगा तो आप बोल सकते हैं कि जो मेरा ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा ऊपर की तरफ। ये आपको कंटिन्यूएशन का कंफर्मेशन देता है, यहां से प्राइस नहीं गिरने वाला, यहां से अभी भी अप ट्रेंड जो है मेरा चलता रहेगा। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली चीजें क्या है, आपको जल्दी नहीं करनी है। अगर तीन ब्लैक बन गई तुरंत सेल की पोजिशन नहीं बनानी है, आपको वेट करना है। पहली चीज क्या देखनी है, मेरी पहली या उससे पहली वाली जो भी कोई कैंडल थी उसके नीचे जाकर के इन तीनों कैंडल ने क्लोजिंग दिया है, अगर नहीं दिया तो आप वेट कीजिए, मतलब सेलर्स एक्टिव नहीं है। अगली चीज क्या देखनी है, मेरी जो पांचवी कैंडल बनी वो मेरी पहली कैंडल के हाई के ऊपर की अगर क्लोजिंग देती है, इसका मतलब होता है मेरा बुलिश थ्री पैटर्न बन चुका है, यहां से अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा, आप इसमें बने रह सकते हो। इसी तरीके से मेरा बेयरिश थ्री पैटर्न होता है, पहली कैंडल जो भी है मेरी सेलर की थी, अच्छे से मेरा प्राइस गिरा, उसके बाद तीन वाइट कैंडल बनी, लेकिन फिर भी ये इसके जो हाई वैल्यू था या फिर जो मेरा ओपन वैल्यू था उसको ब्रेक नहीं कर पाई, इसके अंदर ही तीनों कैंडल जो थी सम्मिलित थी, इसी कैंडल के अंदर तीनों कैंडल थी, और मेरी जो पांचवी कैंडल बनी उसने मेरे इसके हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग दी, यानी कि ओपन यहां हुई क्लोजिंग यहां हुई। मेरा इसका क्या मतलब निकल के आता है, सिग्निफिकेंस की बात करूं तो हाँ, जो मेरा डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। तो अभी हमारा जो कैंडल स्टिक के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का जो चैप्टर था या टेक्निकल एनालिसिस का जो पार्ट था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कैंडल स्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो अब सब कंप्लीट हो चुका है। सिंगल कैंडल से आपको क्या समझ में आता है, मैंने ऑलमोस्ट सारी कैंडल्स कवर कर ली। अगर दो कैंडल एक साथ आ जाती हैं तो किस तरीके का पैटर्न बनता है वो चीज हमने देख लिया। अगर तीन कैंडल एक साथ आ जाती हैं तो किस तरीके का पैटर्न बन जाएगा वो भी हमने देख लिया। तो अब चार्ट के ऊपर अगर आपको इस तरीके के पैटर्न्स कभी भी बनते हुए नजर आते हैं या इस तरीके की कैंडल्स एक साथ आपको नजर आती हैं तो आपको मोटा मोटी पता चल जाएगा कि यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो यही करता है, वो प्राइस का एक्शन देखता है, यानी कि कैंडल हमको प्राइस का एक्शन दिखा रही है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि अब ये कैंडल हमको क्या बता रही है। कैंडलस्टिक का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चीजें हम जो देखेंगे वो रहेगा डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, फिबोनाची पिवोट पॉइंट्स क्या होते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स के अंदर लैगिंग और लीडिंग क्या चीज होती है।